हम लोग आज ही मिले थे फर्स्ट लेक्चर वेल्डिंग लेकर के। सेकंड लेक्चर है ये आपका जो 6:30 का मैंने टाइमिंग दिया था आप लोगों को। डिस्कशन कर दिया आप लोगों के साथ। सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग को देखना है बट वेल्डिंग, जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो टाइप है, कंटिन्यू वही रखना है हम लोग को। बट वेल्डिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी आपकी 2 मिनट में। छह 6:30 से जुड़ेंगे इसके लिए। इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद मैंने आज देखो अभी 1 घंटे का लेक्चर है, ये सोच रहा हूँ कि 1 घंटे में ख़त्म कर दूँ ये, तो 7:30 तक आपकी ख़त्म हो जाएगी ये सब। तो आप लोग आ सकते हैं और जो भी कमी हो इस लेक्चर में वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं इसमें। क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर होता है, इसमें हो सकता है कि कंसंट्रेशन ना बन पा रहा हो उस टाइप से, क्लासरूम टाइप से। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा कि आप लोग सिक्स थर्टी का टाइमिंग सेट है आपका कैलेंडर में, तो 6:30 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी कहानी, है ना। चलिए 6:30 टाइमिंग हो गया, अपने टाइम पे इसको स्टार्ट किया जाए, नहीं तो फिर ये हो जाएगा आप लोगों के साथ लेट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि लेट हो एग्ज़ाम ये। ठीक है बाबू, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए बट वेल्डिंग देखो, हम लोग इससे पहले 2 टाइप का वेल्डिंग देखे थे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। एक देखे थे स्पॉट वेल्डिंग और दूसरा देखे थे सीम वेल्डिंग और तीसरा देखे थे प्रोजेक्शन टाइप वेल्डिंग। गुड इवनिंग बाबू, इस टाइप वेल्डिंग से ये किस टाइप से डिफरेंट है बट वेल्डिंग, ये आप देखे होंगे। कभी कभी जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो जैसे मान लो कि साइकिल, देखिए साइकिल का जब ये जो बीच वाला जो जॉइंट का रॉड जब टूट जाता था, तो वहाँ आप देखे होंगे कि उसको इस तरह से जोड़ करके हम लोग इस तरह से एक आयरन रॉड से, एक मेटेलिक रॉड से ही हम लोग वेल्ड कर देते थे हाई प्रेशर के साथ। उस टाइप का जो वेल्डिंग होता है उसको हम लोग बट वेल्डिंग बोलते हैं। कहने का मतलब है, इन द बट वेल्डिंग, एक पॉइंट मैं यहां नोट कर देता हूं, इन द बट वेल्डिंग है ना, इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोड
द मेटल पार्ट metal parts that are to be joined or butted. Butted means joined together. ठीक है, तो इस तरह से यहां पे हम लोग इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं. क्लियर है आप लोगों को? तो हम लोग इस बट वेल्डिंग को एक तरह से जोड़ते हैं. बट वेल्डिंग देखिए होता, ये जो फिगर है ये बट वेल्डिंग का ही है. हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर से. ये सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर का, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. तो प्राइमरी साइड कैसा होगा ये? तो प्राइमरी साइड यहाँ, ये सेकेंडरी साइड है हम लोग का. तो प्राइमरी साइड इधर होगा हम लोग का, जो कि हाई ये होगा हमारा. ये मैकेनिकल प्रेशर बनाता है, ये बेस मेटल होता है, यही ज्वाइंट है. ये जो ज्वाइंट है ना, इसी को हम लोग बटिंग बोलते हैं. बट ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है यही. ये जो पॉइंट है ना, ये जो ज्वाइंट हुआ है, इसी को हम लोग बट ज्वाइंट बोलते हैं. बट वेल्डिंग का, और दोनों तरफ से ये और ये मैकेनिकल प्रेशर बना रहा है, और यही मेटल को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं यहाँ. तो इसको हम लोग बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग ज्वाइंट का हम लोग एग्जाम्पल में रखते हैं. ये चीज़ बट है. बट का हम लोग दो टाइप चर्चा करने की बात किए थे हम लोग. उसमें से सबसे फर्स्ट था हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग, और दूसरा था हमारा अपसेट बट वेल्डिंग. फ्लैश बट वेल्डिंग की यदि हम लोग बात करें, तो फ्लैश बट वेल्डिंग और अपसेट बट वेल्डिंग क्या है, डिफरेंस क्या है ना? तो नाम देते हैं. फर्स्ट हम लोग का था फ्लैश बट वेल्डिंग. फ्लैश बट वेल्डिंग ठीक है. फ्लैश बट वेल्डिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ एक नोट कर देते हैं. फ्लैश बट वेल्डिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सब पोजीशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर्क एंड प्रेशर. रेजिस्टेंस आर्क एंड प्रेशर वेल्डिंग का ये कॉम्बिनेशन है बाबू. तो अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं? तो प्रोडक्शन में सभी जगह यूज़ करते हैं, है ना? प्रोडक्शन वेल्डिंग में यूज्ड इन प्रोडक्शन वेल्डिंग ठीक है. अब देखो ये इसका डायग्राम है यहाँ आपके सामने, देख रहे हो? सेम हम लोग ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे दिए हैं, एसी सप्लाई दिए हैं. एक फिक्स पैटर्न है, एक मोबाइल पैटर्न है. दो पैटर्न हम लोग पिछले डायग्राम में भी हम लोग देखते हुए आए हैं, है ना? यहाँ इलेक्ट्रो, ये जो मेटल है यही वर्क, इसी को हम लोग को क्या करना है, वेल्ड करना है. तो भाया आर्क हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, जो कि प्लाज्मा स्टेट में होता है. यहाँ जो ये जो आर्क है, आर्क कहने का मतलब ये डेवलप होता है कि यदि हाई करेंट, हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यहाँ जो इलेक्ट्रिक का स्ट्रेस होता है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस वेरी हाई होता है बाबू, है ना? यहाँ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण करंट यहाँ से पास होता है. इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क. जो करंट जब तक इलेक्ट्रॉन पास होता रहेगा भाया एयर इन प्लाज्मा स्टेट, उसको हम लोग आर्क बोलते हैं. और आर्क के थ्रू यहाँ ये हम लोग इसको ये कर लेते हैं. तो बिफोर वेल्डिंग जो होता है हमारा, वो इस टाइप का दिखे. जैसे बिफोर वेल्डिंग ये दोनों अलग है, और जैसे ही वेल्डिंग होगा तो ये वेल्डिंग इस टाइप से प्रेशर जब बनेगा, ये थोड़ा सा शेप आपका चेंज करके ये बना सकता है इस तरह से. इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग, जिसमें आर्क भी डेवलप होता है, हमारा रेजिस्टेंस भी होता है और प्रेशर भी होता है. तो ये हम लोग का
टोटल कंप्लीट हो गया कि सर एक, हाँ और याद रखिएगा कि एक मूवेबल पैटर्न होता है और दूसरा क्या होता है, फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, देख रहे हो एरो भी बना हुआ है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसके साथ ये चिपक जाएगा, ये हमारा फिक्स रहेगा, एक फिक्स रहेगा, दूसरा आकर के उसके साथ प्रेशर बनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ये बनाता है हमारा, ठीक है। इसका एडवांटेज भी है ये फ्लैश का, और आप यदि कंपेयर करोगे ऑफसेट तो आपको एक पॉइंट में यहां से एडवांटेज, ऑफ द फ्लैश बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग ओवर द अपसेट वेल्डिंग, ओवर द अपसेट वेल्डिंग। सबसे फर्स्ट है लेस पावर रिक्वायर्ड, लेस पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा है वेयर द सर्फेस बींग ज्वाइंट, गुड मॉर, वेन द सर्फेस बींग ज्वाइंट इट रिक्वायर ओनली लेस अटेंशन, ठीक है। क्लीन होता है ये, क्लीन वेल्डिंग हम लोग यहां यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी बर्न नहीं होगा, कोई भी आर्क डेवलप नहीं होगा, कोई भी सरफेस आर्क डेवलप तो हुआ लेकिन आर्क के कारण कोई भी गंदगी यहाँ नहीं आएगा, मतलब फुल्ली लगेगा आपको कि जो ज्वाइंट हुआ है वो ओरिजिनल टाइप का ज्वाइंट है, ठीक है। सभी जगह इसको भी हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं तो एप्लीकेशन देख लीजिए, एप्लीकेशन जो है इसका, एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन है इसका रॉड, सेम अपसेट डॉट इसका दोनों का सेम रहता है, रॉड को जोड़ने के लिए, पाइप को जोड़ने के लिए प्रोडक्शन में यूज करते हैं हम लोग, वायर को जोड़ने के लिए है ना, मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए एंड टू एंड एटसेट्रा, तो सभी जगह इसको हम लोग यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ करते हैं तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे, ये चीज कंप्लीट हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। अब है अपसेट वेल्डिंग, ठीक है बाबू। अपसेट वेल्डिंग जो इसी का एक पार्ट है, अपसेट वेल्डिंग, ठीक है। अपसेट वेल्डिंग जो है ये भी सेम, अब बट वेल्डिंग का एग्जाम्पल है तो सेम प्रोसेस में ये भी काम करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि द टू मेटल पार्ट्स टू बी वेल्डेड आर ज्वाइंट एंड टू एंड आर कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी, अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब देखो ये जो होता है सबसे ज्यादा पावर, ये डायरेक्ट कनेक्ट हम लोग कर देते हैं इसको, भाया आर्क यहाँ डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस, यहाँ आर्क डेवलप नहीं होता है बाबू, तो यहाँ आर्क एब्सेंट होता है, ये याद रखिएगा। तो आर्क एब्सेंट होगा तो
तो सीधी सी बात है डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो पावर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, यहाँ पावर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं कि अब इसका एक रफली हम डायग्राम आपको बता दो कि यहाँ से मान लो आप सप्लाई दिए हो, ये आपका प्राइमरी साइड हो गया, ये आपका सेकेंडरी साइड हो गया, ठीक है, और इसको डायरेक्ट हम लोग जो है कनेक्ट करके रखते हैं मेटल पार्ट को, तो ये जो है इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट सेकेंडरी से कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये ठीक है। और इस यहाँ से हम लोग मेटेलिक पार्ट जो यूज करते हैं वो ले लेंगे, और यही ये दोनों वेल्ड होते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट अपसेट बोलते हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड होता है ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये हम लोग का ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये मेटल पार्ट हो गया, इसको हम लोग अपसेट वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मली हम लोग कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो जो टर्म है हम लोग का यहाँ ये डायरेक्ट देख लो डायरेक्ट कनेक्ट है, जिसके कारण ये हम लोग यहाँ पर हाई पावर रिक्वायरमेंट होता है। एप्लीकेशन देख लीजिए, एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन सेम वही चीज़ है, हम लोग आयरन रॉड को यूज कर सकते हैं, मेटेलिक कोई भी रॉड यूज कर सकते हैं, पाइप में लगा सकते हैं, तीसरा वायर में लगा सकते हैं, फोर्थ मेटल टू मेटल एंड टू एंड जोड़ सकते हैं, मेटल जोड़ सकते हैं, है ना। तो यहां हम लोग कर सकते हैं बाबू अपसेट वेल्डिंग का। तो यहां जो डायरेक्ट देखिए करंट सेम करंट वही रहेगा आपका, बहुत हाई करंट पास होता है यहाँ, क्योंकि जो पावर का रिक्वायरमेंट होगा वो आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करेगा, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है डायरेक्ट, यहाँ आर्क है नहीं, तो करंट का जो रेंज होगा आपका वो बहुत हाई होता है यहाँ भी, और इसका जो वोल्टेज होता है वोल्टेज बहुत कम होता है बाबू, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं करंट हाई होने के कारण यहाँ जो इसका जो ये होगा वो 1000 एम्पियर से हम लोग का चलेगा अबव, ये मटेरियल के थिकनेस पे डिपेंड करेगा, है ना, कि कितना थिकनेस है उस पर डिपेंड करेगा ये चीज। तो ये कंटिन्यूसली आपका काम कर जाएगा, जिसके साथ हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे करंट बहुत ही ज़्यादा होगा अपसेट वेल्डिंग का भी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट है आर्क से रिलेटेड। अभी जो है अब नेक्स्ट टर्म जो है हम लोग का देखिए, अब है हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं अब है नेक्स्ट जो वेल्डिंग है ये हम लोग का टॉपिक है बाबू आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग जो है यहां हम लोग देखो यहां हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम लोग फिलर यूज नहीं किए थे और नहीं यूज भी होगा, आर्क वेल्डिंग में हम लोग फिलर हो सकता है यूज करें, कहीं करते हैं कहीं नहीं भी करते हैं। तो ये जो होता है ये प्रोसेस जो कहलाता है द ज्वाइनिंग ऑफ द टू मेटेलिक पीसेस और मेल्टिंग ऑफ मेटल
इज ऑब्टेन ड्यू टू द हीट डेवलप हीट डेवलप्ड बाय एन आर्क बिटवीन एन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड एंड द मेटल इलेक्ट्रोड एंड द मेटल टू बी वेल्डेड और बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड. कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम लोग वेल्डिंग करेंगे, आर्क डेवलप करवाते हैं या तो इलेक्ट्रोड और मेटल के बीच में या दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग आर्क डेवलप करवाते हैं. ये आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग जनरली यूज करते हैं. ठीक है, तो यस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड मेटल ये भी सही है. इलेक्ट्रोड एंड मेटल और टू बी वेल्डेड और बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ये याद रखिएगा. ये सब क्वेश्चन जो होता है ये हम लोग का पूछा भी जा सकता है आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस में. ये चीज़ जानना ज़रूरी है. तो देखिए ये यूज कैसे करते हैं. आर्क वेल्डिंग जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ हम लोग ठीक है. तो अभी देखिएगा, देखिए तो अब है कि आर्क वेल्डिंग का एडवांटेज क्या है. आर्क वेल्डिंग का एडवांटेज है द सरफेस कोटिंग. ये एडवांटेज नहीं, ये रिक्वायरमेंट है आपका. रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्क वेल्डिंग द सरफेस कोटिंग एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज. हम लोग सरफेस कोटिंग हो कोटेड होना चाहिए और किस टाइप का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो हम लोग को जानकारी चाहिए. द पोजिशन ऑफ वेल्डिंग पोजिशन ऑफ वेल्डिंग. तीसरा है द अमाउंट ऑफ करेंट यूज. मतलब हम लोग कौन कौन सा कितना अमाउंट ऑफ करंट यूज कर रहे हैं, हम लोग का पोजीशन क्या है, है ना. और इस वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रेशर वेल्डिंग. ठीक है, देखिए नॉन प्रेशर वेल्डिंग तो ये चीज हम लोग नॉर्मली इसको हम लोग देखते हैं. इसका टाइप भी देखना है हम लोग को, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आखिर में अच्छा आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना डिसाइडेड होता है. तो टेम्परेचर जो लिया जाता है बाबू वो है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अच्छा यहाँ एसी यूज होगा या डीसी. यहाँ बोथ एसी एंड डीसी कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो अब है एसी कितना वोल्टेज जाएगा. एसी वोल्टेज हम लोग देंगे 70 से 100 वोल्ट एसी और डीसी देंगे हम लोग 50 से 60 वोल्ट डीसी. ठीक है, क्लियर. तो आर्क का जो मेंटेन करेगा वोल्टेज वो कितना है. आर्क वोल्टेज जो होगा बाबू उसके पास 20 से 30 वोल्ट होगा. ये सब नोट्स बना लो आप लोग भी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसका. टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस एसी और डीसी दोनों पे यूज होगा. ठीक है,
एसी हम लोग 70 से 100 वोल्ट रखते हैं, 50 से 60 वोल्ट डीसी यूज़ करते हैं हम लोग, एंड 20 से 30 वोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं आर्क डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ हम लोग इसका टाइप देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप है कार्बन आर्क वेल्डिंग। सबसे फर्स्ट टाइप जो है यहाँ अब हम लोग के पास कार्बन आर्क वेल्डिंग है। कार्बन आर्क वेल्डिंग की बात करें तो हम लोग देखिए, मैं कुछ यहाँ कंटेंट लेकर के आया था कि आर्क वेल्डिंग की जब हम लोग पढ़ेंगे बात करेंगे तो यहाँ हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी। ये देखिए, कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है, ये है हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग। देखिए, ये सामने आपके फिगर है, ये फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग प्लांट, जो हम लोग सप्लाई दे रहे हो, वेल्डिंग प्लांट। यहां देखिए, ये फिगर मैंने लिया था, सप्लाई जहां से हम लोग देंगे प्लस और माइनस। हो सकता है कि यहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई दे दें क्योंकि कम वोल्टेज यूज होगा और हैवी आर्क डेवलप करने में मदद करेगा। दूसरा है, ये सेकेंड नाम है इलेक्ट्रोड केबल, ये जो है ये बाबू इलेक्ट्रोड केबल है। ठीक है, तीसरा है आपका ये ग्राउंड केबल। एक से हम लोग ग्राउंड कर लिए, एक से हम लोग इलेक्ट्रोड को लगा दिए। ठीक है, फोर्थ है इलेक्ट्रोड होल्डर, फिफ्थ है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड यहीं से हम लोग का आर्क डेवलप होता है, और ये मेटल है, वर्क पीस है ये, सही बात है। और इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ क्लैंप। अर्थ होल्डर कहाँ से लगा हुआ होगा? अर्थ क्लैंप के साथ। अर्थ होल्डर जो ये जो केबल है, अर्थ केबल या ग्राउंड केबल, ये किसके साथ लगा हुआ है? अर्थ क्लैंप के साथ। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो हम लोग, ये पूरा का पूरा टर्म है, यही चीज़ हम लोग को देखना है। तो अब यहाँ होता क्या है कि डीसी प्रीफर करते हैं कार्बन ये में, क्योंकि डीसी क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि इसका फिक्स पोलरिटी होता है, और इसमें क्या होता है ना कि चेंज नहीं होता है टाइम के ड्यूरेशन के साथ हमारा मैग्नीट्यूड, चाहे वो वोल्टेज का हो या करेंट का। ठीक है, तो कार्बन में अब इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बनाएंगे? तो इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते हैं ग्रेफाइट रॉड का, ग्रेफाइट रॉड या कार्बन का हम लोग जनरली बनाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड का जो है, ये जो ग्राउंड केबल एंड ये, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है बाबू, मतलब टोटल जो हाईएस्ट टेम्परेचर है 3900 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है, उसके बाद ये मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग, हम लोग देख रहे थे कि टेम्परेचर, ये वोल्टेज कितना है, 50 से 70 वोल्ट हम लोग ले सकते हैं इसीलिए। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है कि इलेक्ट्रोड जो होगा कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए डायमीटर, तो अब 2.5 सेंटीमीटर के डायमीटर पे, डायमीटर में हम लोग बाबू 500 से 800 एम्पियर तक यूज करते हैं करंट, है ना। यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है, 2 वोल्ट से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ करंट की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है हमारे। ये कार्बन आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस है, तो इतना चीज याद रखिएगा। ठीक, कार्बन, ये तो अब है कि ये यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन है इनका। एप्लीकेशन है भाई साहब का कि हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टील विथ थिनर गॉज,
गेट सब नहीं देखते हो अभी जो बनता है दरवाजा, सब में वही यूज होता है बाबू, ठीक है। दूसरा है वेल्डिंग ऑफ हाई ग्रेड निकल एलॉय। तीसरा है गैल्वेनाइज स्टील को भी हम लोग यूज करते हैं। तो अच्छा, इसमें हम लोग फिलर जो यूज करते हैं गैल्वेनाइज स्टील में, यदि अब देखो यहाँ फिलर यूज होता है आर्क वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग फिलर यूज नहीं करते थे। तो गैल्वेनाइज स्टील में यदि फिलर की बात करेंगे तो यहाँ फिलर करते हैं मैग्नीज एलॉय का। एलॉय एज फिलर यूज होता है या तो इस टाइप में सभी जगह हम लोग फिलर यूज कर लेंगे। क्लीन होता है ना, क्लियर। तो अब है इसका एडवांटेज। एडवांटेज में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये बाबू इजिली कंट्रोल है, ठीक है, क्लीन है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। तीसरा है इजिली एडेप्टेबल फॉर ऑटोमेशन, ठीक। फोर्थ है बोथ फेरस टाइप एंड नॉन फेरस टाइप मेटल कैन बी वेल्डेड। मेटल दो टाइप का होता है हमारा, फेरस टाइप एंड नॉन फेरस टाइप। डिसएडवांटेज है हाई इनपुट करंट चाहिए, हाई करंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग का चेंज हो सकता है वर्क पीस का। वर्क पीस यदि वर्क यदि सही से नहीं लिए हो वर्क पीस, तो आपका वहां मेल्ट करने की संभावना बनी हुई रहती है, ठीक है। अपरेट फिलर रॉड हैज टू बी यूज इफ एनी फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड। यदि फिलर यूज कर रहे हो फिलर मटेरियल, तो हम लोग को एक अलग टाइप का फिलर इलेक्ट्रोड चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग नहीं पकड़ करके करते हैं तो छोटा छोटा हम लोग को चाहिए होता है एक रॉड, यदि फिलर है तो वो फिलर को फिल कराने के लिए एक अलग से इलेक्ट्रोड चाहिए। तो कुल मिलाकर के कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है इसका एडवांटेज सही है कि ठीक है क्लीन है लेकिन इजली है, अदर देन लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट है हम लोग अभी जस्ट अब चर्चा करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग जो आर्क वेल्डिंग से आगे की है, तो ये डायरेक्ट कंटेंट करके आए थे हम लोग। इट इज ए नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस दैट द वेल्डर सेट इज यूज्ड ओनली एज हीट सप्लाई फॉर द बेस मेटल। इफ एडिशनल मेटल इज रिक्वायर्ड अ फिलर रॉड कैन बी मेल्टेड इनटू द ज्वाइंट। जैसे हम लोग एक रॉड पकड़ करके नहीं यूज करते हैं कि वेल्डिंग करने के लिए, तो वो जो फिलर मेटल है वही हमारा यूज हो जाएगा और वही दोनों मेटल के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इट यूज टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड बिटवीन व्हिच एंड आर्क कॉलम,
जैसे एक्चुअली एन आर्क फैन कहते हैं उसको, मेंटेन बाय एसी सप्लाई। बेसिक प्रिंसिपल जो है ये हम लोग का एक फिगर है, यही मैं आपको यहां दिखा दूं, ये ठीक है, ये फिगर है यही, इसको हम लोग पकड़ करके रखते हैं और ये हम लोग का क्या है इलेक्ट्रोड, यही ये जो है ना एक तरह से फिलर हम लोग का मेल्ट हो रहा है ये। तो यहाँ जो करते हैं ना ये और इसको क्या करते हैं नॉर्मल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज फोर्स थ्रू दिस आर्क कॉलम, मतलब हाइड्रोजन डाल करके हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं आर्क कॉलम को फिल कर लेते हैं। ड्यू टू इंस्टेंट ऑफ हीट आर्क कॉलम द डायटोमिक हाइड्रोजन इज डिसोसिएट इंटू एटोमिक हाइड्रोजन, मतलब वही है कि जो हम लोग मॉलिकुलर हाइड्रोजन जो दिए हैं वो हाइड्रोजन में बन जाएगा और हाउएवर एटॉमिक हाइड्रोजन बीइंग अनस्टेबल मॉलिकुलर हाइड्रोजन शुड यूटिलाइज अबाउट कितना डिग्री 3750 डिग्री तक ये जा सकता है। ठीक है, ये चीज इसका टर्म हो गया। अब है कि वेल्डिंग इक्विपमेंट किस तरह से यूज करेंगे। स्टैंडर्ड वेल्डिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सबसे फर्स्ट एंड टैप्ड सेकेंडरी, एंड जो करंट होगा वो 15 एम्पियर से 150 एम्पियर तक माइनस करके रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस सप्लाई विथ एप्रोप्रिएट रेगुलेटर, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च हैविंग ऑन एंड ऑफ स्विच एंड ट्रिगर और मूविंग ऑफ टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्लोज टुगेदर स्ट्राइक एंड मेंटेन द आर्क कॉलम। ये देखिए एसी सप्लाई हम लोग दिए, हाइड्रोजन यहाँ से इंसर्ट करते हैं, इसी बीच में यही हमारा आर्क कॉलम में क्या होता है कि हाइड्रोजन डिसोसिएट होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिए और यहाँ प्योर हाइड्रोजन बन करके यहाँ इस दोनों के बीच में आ जाता है, यही एटॉमिक H2 कम्बिनेशन इनटू मॉलिक्यूलर H2। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से इंसर्ट किए हम लोग और यही हाइड्रोजन इस आर्क कॉलम में आकर के फिल कर लेता है और जो ये यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड कैसा होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है बाबू, टंगस्टन इलेक्ट्रोड ये देखिए। तो यही है जैसे हाइड्रोजन सप्लाई कैसे करते होते, एक टैंक नहीं लेकर के देखते हो वेल्डिंग करने के समय में एक टैंक लगा रहता है, वहाँ से हम लोग वेल्डिंग जो एक वेल्डिंग सब वेल्डिंग के लिए जो यूज होता है टैंक, यही कहते हैं हाइड्रोजन सप्लाई वहाँ से देते हैं, हाइड्रोजन सप्लाई दे करके यहाँ से यही है। तो यहाँ से इंसर्ट करते हैं, है ना, यहाँ से इंसर्ट करते हैं कहाँ, इसके बीच में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, यही इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, सेम सर्किट है, ये सर्किट डायग्राम है एक तरह से और ये मेन प्रिंसिपल डायग्राम है। ट्रिगर यहीं से हम लोग हाइड्रोजन स्विच ऑफ एंड ऑन करना है या ऑफ करना है, ऑन ऑफ स्विच एंड ट्रिगर और मूविंग टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड क्लोज टुगेदर, तो मतलब कि जब ऑन करेंगे तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोड टच हो जाएगा और जैसे ही ऑफ करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सेपरेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो इस फिगर को, ये हमारा ये, और यहाँ से हम लोग क्या किए एसी सप्लाई दे दिए। तो सेम फिगर है, आप देख सकते हैं आपको याद आ रहा होगा ये फिगर, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। मेथड ऑफ वेल्डिंग द टॉर्च इज हेल्ड राइट हैंड विद द फिंगर, तो ये आप पढ़ लेना, मेथड ऑफ से कोई मतलब है नहीं आपको। एडवांटेज है आर्क, अब देखो एडवांटेज मैन है यहाँ, आर्क एंड वेल्ड जोन आर शॉर्टेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन विच बींग द एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एटमोस्फेरिक कंटेंट, मतलब हाइड्रोजन डालने से यहाँ हम लोग का, हाँ जी यही है गैस वेल्डिंग, यही है जो कि हम लोग नॉर्मली जो मार्केट में हम लोग का करते हो वो यही है बाबू, एकदम सिंपल सा टर्म है, देख रहे हो, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये एक मतलब इजिली हैंडल होता है, जैसे लगा दिए और ये प्रेशर, ये जो देख रहे हो यहाँ ये प्रेशर देखता है इसका कि कितना प्रेशर से आप इसको डाल रहे हो। ठीक है, ये वही है सामने जो आपका है। तो कैन बी यूज्ड फॉर मटेरियल टू थिन और गैस, फॉर गैस वेल्डिंग कैन बी वेल्डेड क्विक थिक सेक्शन गिव ए स्ट्रॉन्ग डक्टाइल एंड साउंड वेल्डेड तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग देगा आपको। कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग ए माइल्ड स्टील, यस एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम एलॉय, याद रखिएगा ये सब टर्म बहुत ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कैन बी ऑल्सो यूज फॉर वेल्डेड मोस्ट नॉन फेरस मेटल सच एज निकल मोनल ब्रास ब्रांच टंगस्टन एंड मोली वैंडिनियम,
मतलब इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर नॉन फेरस मेटल, फेरस मेटल के लिए आयरन के लिए तो होता ही होता है, ये नॉन फेरस मेटल जैसे निकल मोनल ब्रास ब्रांच टंगस्टन के लिए भी यूज हम लोग इसको करते हैं। तो इस तरह से ये चीज कंटिन्यू आपका कंप्लीट हो गया एडवांटेज, ठीक है। तो ये अभी आगे आएगा, फ्लेम जस्ट आगे है इसका कि बाबू इसका जो, हाँ फ्लेम का भी है तो, लेकिन ये फ्लेम क्या है ना कि इसमें जस्ट आगे एक आता है इसका, एक अलग चीज़ है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ये गैस में लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसी में फिलर मटेरियल की बात कर लें थोड़ा सा, तो फिलर मटेरियल जिसे दिए हो तो ये आर्क डेवलप किया, और यदि हम लोग फिलर रॉड लगाए हैं यहाँ देखिएगा तो फिलर यूज करेंगे तो फिलर मेटल यहीं पे हम लोग देंगे और ये क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा, ये फिलर मटेरियल, फिलर मेटल ये से फिगर। तो यहीं हम लोग फिलर डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का फिलर मतलब फिलर मटेरियल और फिल्ड मेटल ये यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है इस चीज़ को कि यदि आप इसमें करोगे तो ये फिलर यूज कर रहे हैं, एक बार याद रखिएगा फिलर जो यूज करेंगे तो फिलर खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है बाबू। तो ये टाइप हो गया हमारा किसका, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। अब है मेटल आर्क वेल्डिंग, जो कि एसी और डीसी दोनों में हम लोग काम कराते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग का, वेल्डिंग, ठीक है। मेटल आर्क वेल्डिंग यही हम लोग लेकर के आए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं ये, ठीक है, इनर्ट गैस होता है तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसी को बोलते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। आप ये मशीन से वाकिफ हो गए, ये आप देख रहे हो, ये मशीन आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखा होगा, यही है मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड बोलते हैं इसको इनर्ट गैस कंजप्शन इलेक्ट्रोड प्रोसेस, द फिजिबल वायर इलेक्ट्रोड इज ड्रिवन बाय डायरेक्ट व्हील, मतलब ड्राइव व्हील पे, मतलब ये चक्का पे रहता है बना हुआ, यही वेल्डिंग है, डायरेक्ट लेकर के चलते हैं, फैक्ट्री से हमें यूज होता है ये, है ना। प्रोवाइड फिलर मटेरियल, दिस प्रोसेस यूज इनर्ट गैस, और हम लोग यूज कर रहे हैं ये, तो सॉरी ये मेटल नहीं, ये है इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये मेटल आर्क वेल्डिंग नहीं है, ये इनर्ट गैस यूज है, आपको दिखता होगा ये चीज, ठीक है। तो ये इनर्ट गैस जो कि आर्क से ही है, अब देखिए यहाँ यूज क्या करते हैं, तो आर्गन गैस यूज करते हैं बाबू, आर्गन इज यूज टू वेल्ड नॉन फेरस मेटल थ्रू हीलियम, गिव बेटर कंट्रोल। देखिए ये चीज आप यहाँ से देखना, आर्गन इज यूज टू वेल्ड नॉन फेरस मेटल थ्रू हीलियम, गिव बेटर कंट्रोल ऑफ पोरोसिटी एंड आर्क स्टेबिलिटी, ये जो टर्म है ये आपको प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा कि सर ये जो दे रहा है आपको ये हाईली मतलब पोरोसिटी पे कंट्रोल करेगा, पोरोसिटी पे यदि कंट्रोल होगा तो स्ट्रॉन्ग हम लोग का हो जाएगा वेल्डिंग, ठीक है। वेल्ड मेटल एट द फास्ट वेल्डिंग स्पीड, द प्रोसेस इज इजली एडेप्टेबल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ये खुद ब खुद भी ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ इनर गैस यूज करते हैं जिसमें हम लोग हीलियम, सही बात है, बेरिलियम भी बोल सकते हो, आर्गन यूज करते हैं हम लोग, टोटल यूज करते हैं ये यहाँ पे हम लोग, तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे हम लोग मूव करते हैं, तो अब है वेल्डिंग इक्विपमेंट, वेल्डिंग पावर सप्लाई देते हैं इनर्ट गैस सप्लाई विथ रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर, वायर फीड यूनिट कंटेनिंग कंट्रोल एंड वायर फीड, गैस फ्लो ऑन एंड ऑफ स्विच फॉर MIG मेटल इनर्ट गैस टॉर्च एंड हाँ डिपेंडिंग ऑन द एवरेज एंड वाटर कूलिंग यूनिट, ये देखिए आपका फिगर है सामने, देखो
यही है, ये सर्किट है, ये इलेक्ट्रोड आ गया, फिजिबल इलेक्ट्रोड हो गया, ड्राइव व्हील्स मतलब ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक व्हील लगा करके रखते हैं, कूलेट है, पावर सप्लाई दे दिए यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यू। अब पावर सप्लाई कैसे दोगे, एसी और डीसी, तो एसी और डीसी दोनों से दे सकते हैं यहाँ पे। यही है, ये गैस फॉर्म होता है, ये बेस मेटल है, और वेल्डिंग जहाँ करते हैं हम लोग वहाँ पे हम लोग ये गैस को छोड़ा जाता है, ये गैस आता है हमारा, और ये हम लोग का इलेक्ट्रोड फिजिबल होता है, और ये इलेक्ट्रोड फिलर यूज होता है ये टोटल। तो ये हम लोग का, अब देखो ये उसका मेन डायग्राम है, ट्रिगर होता है, मीक गन है, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रोड जो ये मतलब गैस को फिल कराएंगे हम लोग, वेल्डिंग वायर, ठीक है, कंट्रोल गैस यहाँ से देंगे, और मीक गन से ये होगा वर्क पीस, और पावर सप्लाई डायरेक्ट कनेक्टेड है, पावर सप्लाई देखो यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड वर्क पीस से, और एक जो है दूसरा जो है पावर सप्लाई कहाँ कनेक्टेड है, इस पॉइंट से जो कि कलेक्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोड को लेकर के हम लोग को रख रहा है। तो ये पूरा का पूरा सप्लाई है, पूरा का पूरा सीम है, जो कि हम लोग यूज करते हैं इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है, यही फिगर है इनर्ट गैस, ये इलेक्ट्रोड जो होता है सुटेबल वायर फीड मैकेनिक, ये पावर सप्लाई जो हम लोग देते हैं, पावर सप्लाई अभी हम मैं अभी आपको बताता हूँ, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर, देखो यहाँ ये है, मैक्सिमम करंट 400 एम्पीयर प्रोवाइड करते हैं एट 40 वोल्ट एंड 75% ड्यूटी साइकिल होता है, एंड इतना पे 42 वोल्ट 100% ड्यूटी साइकिल होता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज है बाबू हाई मेटल डिपॉजिट रेट वेरिंग, इतना केजी पर आवर रहता है, रिक्वायर्ड नो फ्लक्स, रिक्वायर्ड पोस्ट वेल्डिंग क्लीनिंग, गिव्स कंप्लीट प्रोटेक्शन एंड वेल्ड बेड फ्रॉम एटमोस्फेरिक कंटेंट, मतलब फुल्ली प्रोटेक्टिव रहता है, क्योंकि इसमें मिक गन जो गैस रहता है वो गन में रहता है और वो फुल्ली प्रोटेक्टेड रहता है। कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ मेटल बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल, सभी जगह यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन है इसका कि एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम एंड एलॉय को यूज कर सकते हैं हम लोग, निकल एंड इट्स एलॉय का ये कर सकते हैं, कॉपर एलॉय को हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, कार्बन स्टील का कर सकते हैं, लो एलॉय स्टील कर सकते हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील कर सकते हैं, एंड टाइटेनियम में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कि बाबू इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हम लोग वेल्ड कर लिए, ये चीज था। ये फिगर जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ठीक है, और अब हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे है हम लोग के पास जो इसका टाइप, जो आर्क वेल्डिंग का जो टाइप था, ठीक है, आर्क वेल्डिंग के टाइप में हम चलते चलते आ गए, ठीक है। अब है आर्क वेल्डिंग में कौन सा टाइप था, मेटल आर्क वेल्डिंग जो है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट, मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है कि सर इसमें को जो होता है ना कि जिससे हम लोग मेटलिक यूज करते हैं वर्क पीस भी सेम रहता है। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, मेटल आर्क वेल्डिंग में एक बात डिस्कस कर लिया जाए कि द इलेक्ट्रोड यूज यूज्ड मस्ट बी द सेम मेटल एज डेट ऑफ द वर्क पीस टू बी वेल्डेड, सेम यूज करते हैं वेल्डेड, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रोड इट्सेल्फ
फॉर्म द फिलर मेटल। ये जो है इलेक्ट्रोड ही यूज करते हैं हम लोग फिलर मेटल के तरफ, ठीक है। ये जो हमारा होता है टेम्परेचर निगेटिव इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर है बाबू 2400 डिग्री सेल्सियस है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर है वो 2600 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब है कि 25 से 2600 डिग्री तक ही जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। एसी और डीसी दोनों यूज कर सकते हैं, बोथ यूज, ठीक है। एसी जो है 80 से 90 वोल्ट यूज होता है, डीसी से 50 से 60 वोल्ट यूज होता है। करंट जो हम लोग लेते हैं 10 से 500 एम्पियर करंट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या होता है, ये फ्लेम छोड़ता है बाबू, स्लैक निकालता है, थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है। यस बाबू, जैसा मेटल रहेगा उसी तरह के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग में जी। लेकिन इसका थोड़ा सा, इसका एक साथ इसी के साथ डिसएडवांटेज भी इसका चलता है, ये स्लैक प्रोड्यूस करता है ना, नॉन ऑक्सीडाइजिंग गैस यूज करता है, मोल्टन स्लैग निकालता है जो कि हार्मफुल होता है, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा ज़्यादा यूज नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या है ना कि सस्ता में सही है ये चीज़, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कार्बन वेल्डिंग यूज करते हैं वहाँ वहाँ मेटल आर्क वेल्डिंग भी हम लोग यूज करते हैं, जहाँ जहाँ कार्बन यूज करते हैं वहीं हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टाइप था आपका, जो स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे, ये जो स्टार्टिंग में हम लोग लेकर के आए थे कि मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग एंड हीलियम और आर्गन वेल्डिंग, यही था इनर्ट गैस जो हम लोग देखे। एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग खत्म हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब कुछ हम आपको एक एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, फटाफट इसको करते हैं, थोड़ा फास्ट हो गया। कारण क्या था ना कि पहले से कंटेंट रेडी था हम हमारे पास, तो जिसके कारण हम लोग को थोड़ा सा अच्छा ये हो गया। अभी जैसे देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग की हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो था लेजर वेल्डिंग। लेजर वेल्डिंग जो है, या इसको हम लोग बोलते हैं लेजर बीम वेल्डिंग, ठीक है। लेजर बीम वेल्डिंग जो है, यहाँ से देख लीजिए, कनेक्टेड लाइट ओनली वन कलर और इट कंसंट्रेट थर्मेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वर्क पीस टू प्रोड्यूस फ्यूजन। इट यूज सॉलिड लेजर, गैस लेजर CO2 एंड सेमी कंडक्टर लेजर, ठीक है। लेजर वेल्डिंग इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर बैंक ऑफ द एनर्जी स्टोरेज ट्रेडिंग डिवाइस अ फ्लैश ट्यूब एंड रैप्ड विथ वायर लेसिंग मेटल फोकसिंग लेंस एंड वर्क टेबल कैन बी रोटेटेड ऑफ 3 XY and Z डायरेक्शन, मतलब रोटेट करता रहेगा और लेजर उसके चारों तरफ घूमता, लेजर फिक्स रहेगा, वर्क पीस घूमता रहेगा हमारा, ठीक है। ये है आपका मेन डायग्राम, देख रहे हो, वर्क पीस है, फोकसिंग लेंस है जो कि लेजर बीम, जो लेंस क्या करेगा उस पर हाई, जैसे नहीं देखते हो सूर्य के रोशनी पर हम लेजर रखते तो नीचे पेपर या सूखा पत्ता क्या होता है जल जाता है, नहीं तो ये, तो फोकसिंग लेंस यूज करेंगे हम लोग, वर्क पीस यूज करते हैं, लेजर, लेजर ट्यूब यूज करते हैं जहाँ से लेजर हमारा छुड़ेगा, ट्रेडर यूज रखते हैं कितना ट्रेडिंग करना है, पावर सप्लाई देते हैं यूजिंग कैपेसिटर बैंक ताकि एनर्जी को हम लोग ट्रेडिंग कर सकें, ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, ठीक है। लेजर वेल्डिंग यूज इन एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जैसे मदरबोर्ड का देखते हो सोल्डिंग करने के लिए हम लेजर यूज करते हैं। लाइटनिंग गॉज मेटल, सम ऑफ द एडवांटेज,
डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रोड, कोई इलेक्ट्रोड नहीं चाहिए इसके में वेल्डेड। ये अदर टाइप्स ऑफ है, हाई डिग्री ऑफ प्रसेशन एंड द मटेरियल ऑफ थिन 0.025 mm, इट डज नॉट हीट द वर्क पीस एक्सेप्ट वन पॉइंट, केवल लेजर वाला पॉइंट हीट होगा, बाकी कहीं हीट नहीं होगा। इनफैक्ट हीट इफेक्टेड जो नहीं वर्चुअली एक्सीडेंट, लिक्विड आर रिस्ट ओनली एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जहाँ पे लेजर बीम हो जा रहा है। सिंस लार्जर बीम इज स्मॉल एंड साइज एंड क्विक इन एक्शन, इट कीप द, तो इस तरह से इसके इजिली बॉन्डेड, प्रोड्यूस मिनिमम थर्मल डिस्टॉर्शन। मेनली है एक ही हम लोग का एप्लीकेशन, तो याद रखिएगा एयरक्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम लोग जनरली यूज करते हैं लेजर, लेजर वेल्डिंग। ठीक है बाबू, तो ये हम लोग का लेजर वेल्डिंग हो गया, क्लियर है। तो अब देखिए, अब है नेक्स्ट जो है, हम एक और लेकर के आए थे जो कि स्टड वेल्डिंग था। स्टड वेल्डिंग जो है ये भी देखना जरूरी था, ये चीज हम अंडरलाइन करके रखे थे हम। सिमिलर टू फ्लैश वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग याद होगा, इनकॉर्पोरेटेड द मेथड ऑफ द ड्रॉइंग आर्क वेल्ड बिटवीन स्टड द सर्फेस ऑफ द बेस मेटल, देन द टू मोल्टेड सर्फेस आर ब्रॉट टूगेदर अंडर प्रेशर। मतलब दो मोल्टेड जो सर्फेस जहाँ पे वेल्डिंग करना है उसको हम प्रेस थी, हम लोग ये करके मोल्ट करके हम लोग उसको वेल्डिंग करते हैं। 400 एम्पियर चाहिए, डीसी केबल सप्लाई चाहिए होता है। ये किस में आ गया हमारा, ये आ गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग के। एप्लीकेशन है लो कॉस्ट मेथड ऑफ फेस्टिंग एक्सटेंशन स्टड टू अ मेटल सर्फेस, मोस्ट ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कैन बी स्टड वेल्डेड सक्सेसफुली। फेरस मेटल इंक्लूड स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील एंड द लो एलॉय स्टील। नॉन फेरस मेटल एल्यूमिनियम, लीड फ्री, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड क्रोम प्लेटेड मेटल। फेरस टाइप में आपको पता होगा आयरन एंड आयरन फैमिली ही केबल यूज करते हैं और उसमें यूज ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ये क्लियर है। और बाकी चीज तो हम लोग देखे हुए हैं, है ना। तो अब है ये करने की जानकारी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हम लोग को देखो, है तो ढेर सारा वेल्डिंग है, प्लाज्मा वेल्डिंग है, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है ये सबसे, तो ये समय का ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, तो मैं अब जो है अभी डिस्कशन और कर देता हूँ अभी कि बाबू टाइप्स ऑफ, अब जो है मेनली इम्पॉर्टेंट टर्म है, ख़त्म ही कर देते हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड का टाइप जो होता है बाबू, इसको दो टाइप में रखा गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा। एक होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये आपको लास्ट तक देखने की जरूरत है। इसका दो टाइप होता है हमारा, बेयर इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है कोटेड इलेक्ट्रोड। ठीक है, कोटेड में, कोटेड इलेक्ट्रोड में दो टाइप होता है हमारा, एक होता है डिप्ड और लाइटली कोटेड फ्लक्स जिसको बोलते हैं, यहाँ भी फ्लक्स होता है, और हैवी कोटेड, डिप्ड और लाइटली कोटेड और हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसका कोई टाइप नहीं होता, ये बेचारा अभी अकेला है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या नॉन कंज्यूमल इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये फ्यूज नहीं होता है, डू नॉट
फ्यूज ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का, याद रखिएगा ये चीज, कार्बन। याद होगा कार्बन कहाँ यूज कर रहे हैं, कार्बन आर्क में, तो ये नॉन कंज्यूमेबल कहाँ चला जाएगा, कार्बन आर्क में। ग्रेफाइट सेम जगह। तीसरा है टंगस्टन, ये भी आर्क वेल्डिंग का ही टाइप है। तो लेकिन टंगस्टन वेल्डिंग जो है ये इनर्ट गैसियस भी है, या हाइड्रोजन गैस में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होता है ये उस, ये डू नॉट फ्यूज, लेकिन ये क्या करता है ना, फ्यूज कर जाता है, ठीक है। आर्क डेवलप करने के समय ये फ्यूज कर जाता है हमारा, ठीक है। तो अलग अलग इसमें केमिकल, कंज्यूमेबल में केमिकल प्रोसेस भी होता है, फ्यूज करने के बाद अलग अलग ये केमिकल प्रॉपर्टी भी डिजायर करता है अपना, ठीक है। तो अब जैसे इसका एक टाइप है, कौन सा, बैड टाइप, ठीक है। तो बैड टाइप जो होता है ये हम लोग डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। यह ये बाबू केवल डीसी यूज होता है, डीसी सप्लाई यूज होता है यहाँ, है ना। केवल हम लोग और इसको जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव साइड यूज करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ये हमारा। लेकिन कोटेड टाइप जो होता है, कोटेड टाइप हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं गैसियस के लिए, जहाँ पे फ्लक्स होता है और हैवी जो होता है स्टिप्ड होता है। एक होता है डीप्ड और लाइटली कोटेड जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बाबू ये जो डीप्ड और लाइटली है ये फ्लेक्सिबल फ्लक्स होता है और ये स्टिप्ड होता है। ये हैवी कोटेड होता है और ये कोटेड नहीं होता है। तो हैवी कोटेड जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कोटिंग ऑफ द कोटिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए, कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं। ये फर्स्ट नाम है टाइटेनियम ऑक्साइड। सेकेंड नाम है आपका फेरोमैग्नीज सिलिका, फेरोमैग्नीज फ्लोर, एस्बेस्टस क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम लोग यूज करते हैं कोटिंग करने के लिए। लेकिन इसको कोटिंग करने के लिए इतना मतलब हैवी कोटिंग नहीं जरूरत पड़ता है, इसीलिए ये सब जरूरत है नहीं, लाइटली यूज करते हैं। और जो लाइटली यूज करते हैं स्लैग से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैग डेवलप करा करके हम लोग इसको कोटिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से यहाँ ज़्यादा का जरूरत नहीं होता है, छोटा सा मतलब हल्का सा लिक्विड फॉर्म का ग्लास भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सोल्यूबल ग्लास जिसको बोलते हैं, बाइंडर जिसको बोलते हैं, वो भी यूज करके हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन फॉर्म नहीं होने देता है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है स्लैग के फॉर्म में जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब है डिफरेंट बिटवीन, ये तो इलेक्ट्रोड मटेरियल हो गया, याद रखिएगा, डिफरेंट बिटवीन रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये केवल एसी पे काम करता है, ये एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है, ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है ना। ये जो हीट फॉर्म करता है बाबू, हीट डेवलप इन मेनली ड्यू टू द, मैं आपको बोल देता हूं आप लिख लेना सुन लेना, ड्यू टू द फ्लो ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। यहां क्या करता है कि यहां कॉन्टैक्ट नहीं, यहां स्ट्राइकिंग, यहां आर्क के थ्रू हो रहा है ना, तो द हीट डेवलप इज मेनली ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ द आर्क बिटवीन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। तो यहां
कॉन्टैक्ट नहीं भी होता है तो चलता है ठीक। यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये हाई नहीं होता है वर्क पीस पे, लेकिन यहाँ टेम्परेचर, यहाँ लो रहता है टेम्परेचर और यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है ठीक है। फिलर मेटल यूज नहीं करते हैं, फिलर मेटल यूज नहीं करते हैं और यहाँ फिलर मेटल यूज करते हैं ठीक है, प्रेजेंट ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है रिपेयर वर्क के लिए यूज नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग रिपेयर वर्क के लिए यूज करते हैं है। पावर कंजप्शन लो होता है, लो, यहां पावर कंजप्शन हाई होता है। ऑपरेटिंग पावर फैक्टर वेरी लो होता है रेजिस्टेंस के कारण, लो होता है, यहां पावर फैक्टर हाई होता है बाबू, ऑपरेशनल पावर फैक्टर हाई होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है बात ठीक है। यहां जो यूज करते हैं बार, रोलर और फ्लैट टाइप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, नॉट कंज्यूमेबल यूज करते हैं, नॉट कंज्यूमेबल डायरेक्ट बात करते हैं। यहां हम लोग बेयर और कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो कि हमारा कंज्यूमेबल होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या क्या यूज करते हैं। तो टोटल इक्विपमेंट में सबसे फर्स्ट चाहिए पावर सेट, दूसरा है इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए होता है, ठीक है, तीसरा होता है वेल्डिंग केबल जो कि डक्टाइल होना चाहिए, फोर्थ होता है फेस स्क्रीन आंख पे विथ कलर्ड ग्लास, देखो पावर फैक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन आ गया सामने, पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है ना हीटिंग के कारण, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पावर फैक्टर, यहाँ हम लोग सभी जगह मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटर बैंक यूज कर लेते हैं, या यहाँ पावर फैक्टर हाई हो जाता है ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, तो कैपेसिटर बैंक के कारण यहाँ पावर फैक्टर लीड कर जाता है बाबू, तो ये लीडिंग फॉर्म में रहता है वन और वन से ज़्यादा। यहाँ पावर फैक्टर बहुत कम होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस लॉसेस के कारण, जो कि लैगिंग के फॉर्म में भी रहेगा यदि उस टाइप से देखेंगे तो, सर्किट के डायग्राम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से यदि देखोगे तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लोग का कॉन्स्टेंट होता है और इसका बाबू ग्राफ ऊपर की तरफ होता है ठीक है। तो ये कैपेसिटर के कारण यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाता है, कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं या हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक्सपेंशन नहीं होने देता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है और वहाँ पे यूज नहीं हो पाता। फेस स्क्रीन चाहिए फिफ्थ, चिपिंग हैमर फॉर रिमूविंग, चिपिंग हैमर बोलते हैं, रिमूविंग स्लैग फ्रॉम मोल्टेन वेल्डिंग ठीक है। तो ये चिपिंग हैमर यूज करते हैं हम लोग रिमूव करने के लिए, क्लियर है। अब है एसी वेल्डिंग सही है या डीसी वेल्डिंग, तो बाबू ये आपको देखना है। नॉर्मली एसी वेल्डिंग सही होता है क्योंकि आर्क डेवलप करा करके हम लोग
लेकिन देखो वो लेगिंग पावर फैक्टर अलग है, ये ऑपरेशनल पावर फैक्टर की बात कर रहा है, ये ऑपरेशनल पावर फैक्टर है बाबू, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है ये दोनों जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है। और ऐसे तो देखोगे तो रेजिस्टेंस से ये तो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा, ये नॉर्मली सर्किट के लिए बात करें तो यूनिटी पावर फैक्टर पे होगा, और ये जो नॉर्मली पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग हो जाएगा आर का, समझे? तो ये तो नॉर्मली है, ये पावर फैक्टर, ये वर्किंग पावर फैक्टर, ये ऑपरेटिंग पावर फैक्टर पे जिस पे ऑपरेट होता है, समझ रहे हो आप? बताना यदि कंफ्यूजन हो तो, ये ऑपरेटिंग है कि ऑपरेशन किस पे हो रहा है, तो ऑपरेशनल फॉर्म में ये हम लोग का ये पावर फैक्टर दिखाया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये सारा का सारा टर्म आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग को देखना था। हम लोग वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग की दो लेक्चर हुआ, दो लेक्चर कंप्लीट हो गया आप लोग का, और ये दोनों हम लोग का ये हो गया। तो अब जैसे देखिए, एक बी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी आर्क वेल्डिंग डीसी मशीन का जो हम लोग देखते हैं, तो वोल्टेज और करंट का जो होता है, ये हमारा ये ग्राफ बी आई करेक्टरिस्टिक्स, दो ग्राफ है, तीन ग्राफ है, ये हम लोग का लैगिंग होता है, ये यूनिटी होता है, और ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, ठीक है? ये करंट और वोल्टेज, तो ये तीनों अलग अलग है, ये ऑपरेटिंग है, लेकिन जब हम लोग मशीन के साथ यूज करते हैं, जैसे नहीं कहते हो कि सर बताइए डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर किसके लिए यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर पे यूज करते हैं हम लोग, सिंपल सा टर्म है। तो वो हम लोग का यूनिटी पावर फैक्टर, उस समय वो हो गया कि किस टाइप का नेचर कैसा है, डीसी वेल्डिंग मशीन विथ मोटर जनरेटर सेट, जैसे देखो यही एग्जाम्पल है, तो ये हम लोग नहीं ले लिए, दोनों मशीन ले लिए, ये हम लोग का क्या हो गया, डिफरेंशियल टाइप हो गया, और यहाँ से हम लोग आर्क डेवलप करके हम लोग आर्क लेते हैं। तो ये चीज जो होता है ना कि, और ये एसी है तो रेक्टिफायर लगा दीजिए, एसी है रेक्टिफायर लगा करके डीसी में कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी तो हो ही सकता है, ट्रांसफार्मर से लगाओगे तो ट्रांसफार्मर से एसी दे दो, उसका रेक्टिफायर लगा दो, डीसी में कन्वर्ट कर देगा, तो इस तरह से आप आर्क वेल्डिंग भी डेवलप कर लोगे। तो अब है तीसरा लेक्चर जो इसका आएगा बाबू, वो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए, ये क्वेश्चन जो कि जेबी गुप्ता का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन है, हो सकता है आज रात 12 बजे मैं पढ़ाऊँ क्वेश्चन, 12 से 1 या 12 से 1:30, ठीक है? तो जो सो जाइएगा तो सो जाइएगा, जो जगे रहेगा तो जगे रहिएगा, देखते हैं, नहीं तो कल सुबह हम फिर मिलेंगे आपसे, कल 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, गुड इवनिंग, आप लोग पढ़िए।